यूपी की राजधानी लखनऊ घोर कलयुग जैसी घटना को पत्नी ने दिया अंजाम। लखनऊ से सटे महिला बाद में प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे पति को पत्नी ने प्रेमी व उसके दोस्त संग मिलकर धारदार हथियार से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि युवक को पत्नी और उसके प्रेमी के संबंधों की जानकारी हो गई थी, जिसका वह लगातार विरोध कर रहा था। बुधवार को पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या दुर्घटना आपके साथ है? कौन मारा? राजू। तब थाने कहाँ के रहने वाले? अभी वो लोग मुलजिम पकड़े गए नहीं पकड़े गए? क्या लोग पकड़े गए? पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन दिया आपने? थाना क्या लगता है आपका? थाने से कोई कार्रवाई हुई आपकी? पुलिस आई है, पूरी टीम आई थी। कई बजे का समय है ये? 12 बजे। कितने बजे का दुर्घटना आपके साथ क्या हुआ? 12 बजे रात। आपको कितने बजे पता चला? हमको 2 बजे का पता। आज प्रातः सुबह 4 बजे मेरे कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई। थाना मलिहाबाद के कुशभरी गांव में एक 35 वर्षीय युवक प्रदीप रैदास की किसी ने उसके घर में धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस सूचना पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की अन्य औपचारिकताएं पूरी करते हुए जब जांच प्रारंभ की गई तो ज्ञात हुआ कि मृतक प्रदीप रैदास, जो सक्सेना इंटर कॉलेज जिहटा रोड पर कुक का काम करते हैं, उनके साथ एक अन्य व्यक्ति उसी गांव का सोनू पाल भी काम करता है, उसकी हत्या की गई है और उनकी पत्नी रेखा रैदास का अवैध संबंध उनके साथ काम करने वाले सोनू पाल और मृतक के पड़ोसी राजू रैदास से था। विगत 2 मई को मृतक ने राजू रैदास और अपनी पत्नी को उसके घर में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था, जिससे पति पत्नी का आपस में काफी विवाद हुआ था और इनके अवैध संबंधों की जानकारी मृतक के बड़े भाई और पिता, जो अलग अलग रहते हैं, उनको भी थी। इनका ये सभी विरोध करते थे, इनके आपस में मिलने जुलने में काफी बाधा उत्पन्न हो रही थी।